मैं समझता हूँ इतना ईमानदारी से अपने वैधानिक वैधानिक दायित्वों का निर्वहन बहुत कम लोग कर पाते हैं, और बहुत शिष्ट तरीके से, कभी शिष्टाचार को उल्लंघन नहीं करते हुए अपनी बातों को पूरी तरह से सदन में रखना, सारे प्रश्नों को रखना अपने शिक्षकों के हित के, पूरे शिक्षा जगत के हित में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ी क्षति बिहार के लिए और बिहार की शिक्षा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पनेसर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो MLC हैं केदारनाथ पांडे, कल उनका गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया, और जो उनके पार्थिव शरीर है आज पटना लाया गया और बिहार विधान परिषद में लाया गया, जहां जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं वो, और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और बिहार सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहे, और जो उनके पार्थिव शरीर है उन पर माल्यार्पण किया। और वहीं बात करें तो जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं दिवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने उनको याद किया और उनसे जब हम बात किए तो क्या कुछ करें, पहले सुनिए उनकी बातों को। ये मेरा मानना है और हम सबों का मानना है, हमारे साथ माननीय सचेतक जी बैठे हुए हैं, सचेतक जी बैठे हुए हैं RJD के भी, सुनील बाबू, मैं समझता हूँ बिहार के लिए बहुत ही दुखद दिवस है, क्योंकि एक सही प्रतिनिधि जो होना चाहिए, और वो निर्वाचित होकर आते थे यहाँ, पिछले 4 टर्म से निर्वाचित हो रहे थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और उससे उनकी लोकप्रियता की झलक मिलती है, और शिक्षकों के लिए जो आवाज़ उठाते थे बहुत कमिटेड एकदम, जितना जो शिक्षकों के लिए और शिक्षा के प्रति जो उनकी जागृति थी और चिंता रहती थी, मैं समझता हूँ इतना ईमानदारी से अपने वैधानिक वैधानिक दायित्वों का निर्वहन बहुत कम लोग कर पाते हैं, और बहुत शिष्ट तरीके से, कभी शिष्टाचार को उल्लंघन नहीं करते हुए अपनी बातों को पूरी तरह से सदन में रखना, सारे प्रश्नों को रखना अपने शिक्षकों के हित के, पूरे शिक्षा जगत के हित में, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ी क्षति बिहार के लिए और बिहार के शिक्षा के लिए हुई। आपके भी सहयोगी रहे हैं, लंबा टर्म आपका भी रहा, उनका भी रहा, कैसा रहा दोनों का साथ? बहुत अच्छा, उनका तो किसी के साथ, मेरा भी वही स्वभाव है, लेकिन उनका किसी के साथ कभी कोई बैर ही, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, कोई भी सत्ता में रहे, वो CPI से आते थे, लेकिन कभी, जैसे मैंने कहा कि अपनी बात रखना, बखूबी रखना, तर्क के साथ रखना, निरंतर अपनी समस्याओं को उठाते रहना, इसमें उनको कभी, और कोई उनको रोकता भी नहीं था, बहुत अच्छी तरह से अपने वो, मैंने कहा ना यहाँ का जो दायित्व उनका था इतनी अच्छी तरह से निर्वहन करते थे, और ऐसे भी बहुत अजीमतर इंसान थे, कभी किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना कभी किसी ने, एक भी आदमी आपको शायद नहीं मिलेगा सिर्फ विधान परिषद में कहीं भी जो उनके बारे में आपको कुछ गलत बोले, इस तरह के आदमी थे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षक जगत को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो शिक्षक जो आवाज़ बहुत अच्छे तरह से उठाते थे, और वहीं बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बिहार के बीच बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो वो CPI से तो आते थे, लेकिन वो सभी दल के नेताओं से घुल मिल कर रहते थे और उनके बारे में कोई भी गलत राय नहीं दे सकता है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पनेसन के साथ। नमस्कार।